साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका तफसीली मुआयना किया है। आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई है। मजीद तफसीला जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कैसी तबीयत है अब उनकी और क्या बताना है डॉक्टर का? जी बिल्कुल, आज सुबह के वक्त मियाँ साहब की तबीयत ज़रा नासाज थी और उन्हें अलल सुबह ही रॉयल ब्रॉम्पटन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया। तो ख़ानदानी जराए के मुताबिक बताया गया कि उनको ज़रा दिल की तकलीफ और उस हवाले से कार्डिक थेरापी उनकी करवाएगी। और आज जब वो यहाँ पर पहुँचे तो 12 बजे के करीब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए हॉस्पिटल जो रॉयल ब्रॉम्पटन बताया जा रहा है वहाँ से। तो वापसी पर उनसे इस्तफसार भी किया कि उनकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ज़रा नासाज है, तो दुआ की जाए, पूरी कौम जो है वो दुआ करे कि उनकी तबीयत में बेहतरी आए। तो इस हवाले से ख़ानदानी जराए का कहना है कि उनकी तबीयत के हवाले से आए रोज़ उनके टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आज 20 दिनों के बाद मियाँ साहब दोबारा हॉस्पिटल गए और वहाँ पर उनका चेकअप करवाया गया। तो हुसैन नवाज भी उनके साथ मौजूद थे, तो उनसे भी पूछा गया उनकी तबीयत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि कार्डिक थेरापी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, इस हवाले से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उनके साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी। तो मियाँ साहब के अब तक 38 टेस्ट हो चुके हैं जब से वो लंदन में यहाँ पर आए हैं और 105 दिन आज गुजर चुके हैं। तो इन 105 दिनों में 38 चेकअप उनके करवाए गए। तो मुख्तलिफ 6 हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया जहाँ पर उनके टेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं और डॉक्टर अदनान भी उनके साथ, उनके जो ज़ाती मौलज हैं वो भी मौजूद हैं। तो आए रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर उनके चेकअप्स इवन फील्ड में भी होते हैं और जहाँ पर अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो वहाँ पर हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। तो आज सुबह उनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी और उसी के बायस उनको हॉस्पिटल ख़राब थी, इसकी वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया। अली, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आज सुबह के वक्त मियाँ साहब की तबीयत ज़रा नासाज थी और उन्हें अलल सुबह ही रॉयल ब्रॉम्पटन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया। तो ख़ानदानी जराए के मुताबिक बताया गया कि उनको ज़रा दिल की तकलीफ और उस हवाले से कार्डिक थेरापी उनकी करवाएगी। और आज जब वो यहाँ पर पहुँचे तो 12 बजे के करीब मियाँ नवाज शरीफ वापस आए हॉस्पिटल जो रॉयल ब्रॉम्पटन बताया जा रहा है वहाँ से। तो वापसी पर उनसे इस्तफसार भी किया कि उनकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ज़रा नासाज है, तो दुआ की जाए, पूरी कौम जो है वो दुआ करे कि उनकी तबीयत में बेहतरी आए। तो इस हवाले से ख़ानदानी जराए का कहना है कि उनकी तबीयत के हवाले से आए रोज़ उनके टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आज 20 दिनों के बाद मियाँ साहब दोबारा हॉस्पिटल गए और वहाँ पर उनका चेकअप करवाया गया। तो हुसैन नवाज भी उनके साथ मौजूद थे, तो उनसे भी पूछा गया उनकी तबीयत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि कार्डिक थेरापी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, इस हवाले से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उनके साथ उनकी फैमिली भी मौजूद थी। तो मियाँ साहब के अब तक 38 टेस्ट हो चुके हैं जब से वो लंदन में यहाँ पर आए हैं और 105 दिन आज गुजर चुके हैं। तो इन 105 दिनों में 38 चेकअप उनके करवाए गए। तो मुख्तलिफ 6 हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया जहाँ पर उनके टेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं और डॉक्टर अदनान भी उनके साथ, उनके जो ज़ाती मौलज हैं वो भी मौजूद हैं। तो आए रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर उनके चेकअप्स इवन फील्ड में भी होते हैं और जहाँ पर अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो वहाँ पर हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। तो आज सुबह उनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी और उसी के बायस उनको हॉस्पिटल ख़राब थी, इसकी वजह से अस्पताल मुंतकिल किया गया। अली, बहुत शुक्रिया।